हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुपर हेल्दी फूड लेके आया हूँ, जिसका नाम है रागी रोटी। तो फ्रेंड्स, इसे हम महाराष्ट्र और कर्नाटका में थालीपीठ भी बोलते हैं। इसके पहले कि मैं आपको इसका रेसिपी दिखाऊं, मैं आपको इसकी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये इसमें रागी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होती है। तो कैल्शियम से क्या होता है कि हमारे बोन और टीथ को बहुत ही स्ट्रांग रखता है और ये ग्रोइंग किड्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि इट इज़ अबेंडेंट इन डाइटरी फाइबर। तो फाइबर क्या करता है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो जिसे भी डायबिटीज़ की शिकायत है, उनके लिए रागी बहुत ही बेनिफिशियल है। और थर्ड बेनिफिट ये है कि इट्स अ वेरी गुड नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो कि ज़्यादातर सनलाइट में पाई जाती है। तो अगर हम रागी खाते हैं तो हमको कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मिलता है, जो कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि दोस्तों कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन भी होता है। तो जिन्हें एनीमिया की प्रॉब्लम है या जिनका हेमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो वो अपने डाइट में रागी को ज़रूर इंक्लूड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स इन वेट लॉस। तो क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाइटरी फाइबर होती है, तो ये हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा देर तक फुल रखता है। तो इससे क्या होता है कि इट प्रिवेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन द अनवांटेड क्रेविंग्स। दोस्तों, ये थे हमारे रागी के बेनिफिट्स। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे रागी के। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको बताए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम रागी रोटी या थालीपीठ कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप रागी का आटा, में हम डालेंगे 1 मीडियम कैरेट ग्रेटेड, इसमें से बहुत ही फाइनली ग्रेट कर लेना है। फिर हम डालेंगे इसमें 1 मीडियम ऑनियन फाइनली चॉप्ड, इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 1 इंच जिंजर फाइनली चॉप्ड, 2 हरी मिर्च बारीकी से काटे हुए, 3/4 टेबलस्पून नमक। ये सब हम अच्छी तरह एक बार हाथों से मिक्स करके फिर हम इसे अच्छी तरह गून लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूनेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि ये रागी पाउडर जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है, ये गेहूं के आटे की तरह चिपकता नहीं है, तो जब आप पानी डालेंगे तो थोड़ा सावधानी रखिएगा कि ये ज़्यादा गीला ना हो जाए। इसे हमें बहुत ही नरम गूंदना है ताकि हमारा रोटी बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बने। आप इसमें चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि इसे सॉफ्ट और मुलायम रखने में हेल्प करता है। तो इस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और हमें इसे ढक के रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे जल्दी ही, जैसे ही आटा गूंद जाए, हम तुरंत इसे रोटी बना सकते हैं। तो रोटी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं एक केले के पत्ते में इसे बना रहा हूँ। तो मैं इसका एक छोटा सा बॉल लेके मैं इसे केले के पत्ते पे रखे इसे हाथ से थोड़ा प्रेस करके इसे रोटी का शेप दूंगा, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है। ये इसे हम अगर नॉर्मल रोटी की तरह बेलेंगे तो ये हो सकता है कि बेलन से चिपक जाए, इसलिए मैं यहाँ एक केले का पत्ता ले रहा हूँ। तो आपको इस बात की वरी करने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास केला का पत्ता नहीं है, क्योंकि आप अल्टरनेटिवली बटर पेपर या किसी फूड प्रोसेसिंग वाइट पेपर पे भी आप इसे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके आप इसी तरह बना सकते हैं। तो मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करके मैं इसे रोटी का शेप दे रहा हूँ। आप इसी तरह, जैसे मैंने बोला, बटर पेपर पे भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसे जितना पतला बनाएंगे उतना ही मुलायम बनेगा। अब मैं इसे एक तवे पे मैं इसे सेक लूँगा। तो मैं एक तवा गरम कर ले रहा हूँ, उस पर मैं ऑयल ब्रश की मदद से थोड़ा ऑयल कोट कर लूँगा। जब ऑयल गरम हो जाए तो फिर हम उस केले के पत्ते को रोटी के साथ ही इसमें डाल देंगे और इसे हल्की हाथों से इसे प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे केले के पत्ते का कलर चेंज हो रहा है, ये लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन हो रहा है।
आप एक वुडन स्पैचुला की मदद से भी इसे प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही इसका कलर पूरा चेंज होकर डार्क ग्रीन हो जाए उस वक्त आप इसे निकाल सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे। इसे मैं ऑयल ब्रश ले रहा हूँ ताकि अच्छी तरह ऑयल दोनों तरफ कोट हो जाए। हमें इसे दोनों तरह अच्छी तरह पकाना है। हम इसे फ्लिप करते रहेंगे दोनों साइड। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गैस का फ्लेम हमेशा लो से मीडियम ही रहना चाहिए। अगर आप इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा और बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो अगर ऐसे आपको मुलायम रखना है तो आप इसे बहुत ही स्लो फ्लेम में आराम से पकाइएगा। और अगर आटा गूंथते वक्त आपका आटा बहुत ज़्यादा गीला आ जाए तो डरने की बात नहीं, आप इसे और भी गीला करके इसे आप डोसा की तरह भी बना सकते हैं। तो एक और अल्टरनेटिव है, अगर आपके पास केला का पत्ता या बटर पेपर कुछ भी नहीं है, इसे आप डोसा के बैटर की तरह गीला करके या कंसिस्टेंसी बढ़ा करके आप इसे डोसा की तरह भी आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे दोनों तरह अच्छी तरह पका लिया है। हमारा रागी रोटी बन के तैयार हो गया। आप इसे पीनट चटनी के साथ खा सकते हैं। तो पीनट चटनी का लिंक दोस्तों मैंने ऊपर में वीडियो में दिया हुआ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।